नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वदेश की बात में। दोस्तों, आज रघुवीर सहाय जी की जयंती है। रघुवीर सहाय स्वातंत्रोत्तर भारत के एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, और उनकी कविताओं को जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, मुझे लगता है उनके भीतर अज्ञेय का शिल्प और मुक्तिबोध की चेतना, इन दोनों का सम्मिश्रण पाया जाता है। उनकी कविताएं वैचारिकता से लैस हैं, जिस तरह से मुक्तिबोध की रचनाओं में हमें देखने को मिलता है, वैचारिकता का प्रगाढ़ स्वरूप दिखाई पड़ता है, वैसे ही रघुवीर सहाय की कविताओं में भी दिखता है। और जिस प्रकार अज्ञेय की कविताओं में शिल्प की सघनता दिखाई देती है, उस तरह की शिल्प की सघनता हमें रघुवीर सहाय की कविता में भी देखने को मिलती है। रघुवीर सहाय की कविताओं को अगर आप गौर से देखें तो उनमें कई तरह के शिल्प आपको देखने को मिलेंगे। आज जिस कविता का विशेष रूप से मैं पाठ करने वाला हूँ, वो थोड़ी सी लंबी कविता है, मतलब उतनी भी लंबी नहीं कहेंगे, लेकिन लगभग 3 पेज की कविता है। इस तरह की जो दूसरी उनकी कविताएं हैं, उन सब का शिल्प लगभग एक समान है। उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आप नोट करेंगे, देखेंगे कि जब कविता शुरू होती है तो रघुवीर जी ऐसा लगता है जैसे कोई एक चित्र, एक बिंब खड़ा कर रहे हैं। पहले ही बंद से ये दिखाई देना शुरू होता है और बंद खत्म होते होते वो बिंब पूरा एकदम ध्वस्त कर देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे बंद की ओर, तो फिर लगता है कि फिर एक बिंब वो खड़ा कर रहे हैं, एक चित्र खड़ा कर रहे हैं, और फिर वही बंद के अंत होते होते वो ध्वस्त कर देते हैं उस बिंब को। यही क्रम पूरी कविता में चलता रहता है। वो बिंब एक बनाते हैं और अंत में ले जाकर उसको ढहा देते हैं। और जब कविता पूरी तरह से, माने पूरी खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, अंत जब आप पूरा पढ़ चुके होते हैं, तो आपको ये अनुभूति होती है कि बिंब जो है सारे ढहा दिए गए हैं। इन ढहे हुए बिंबों की एक माला तैयार हो जाती है, और वो माला जो है अर्थ की दीप्ति से प्रज्वलित हो उठती है। इस तरह का शिल्प जो है बिल्कुल, मतलब दुर्लभ, आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगा कि ढहे हुए बिंबों की माला से अर्थ की दीप्ति को प्राप्त किया जाए। तो रघुवीर सहाय जो है इस तरह के शिल्प के धनी हैं। उनकी कविताएं इतनी ज़्यादा वैचारिकता से लैस हैं और शिल्प उनका इतना अनूठा है कि अगर उनकी कविताओं को शब्द दर शब्द अगर आप बहुत ही धीरे से उसको समझते हुए अगर नहीं पढ़ें, तो आप कविता पढ़ने के बाद समझ नहीं पाएंगे कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं कवि। इसलिए उनकी कविताओं को धैर्य से पढ़ने की ज़रूरत है और धैर्य से सुनने की भी ज़रूरत है। तो आज उनकी ही कविता का पाठ मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। विशेष रूप से मैं अधेड़ भारतीय आत्मा, जो उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, इसका पाठ करूँगा। लेकिन उससे पहले एक छोटी कविता है उनकी, वो वास्तव में प्रेम कविता है, तो उसका पाठ मैं करना चाहूँगा। देखिए, विशेषतः रघुवीर सहाय जो हैं मूलतः राजनीतिक कवि रहे हैं, सामाजिक राजनीतिक कविताएं वो लिखते रहे हैं, और सामाजिक यानी सामाजिक जो इश्यूज़ हैं, जनरल इश्यूज़, प्रेम कविताओं का एक अलग ही जो है उसकी कैटेगरी होती है। लेकिन यहाँ उन्होंने प्रेम कविता को इस तरह से एकदम बिल्कुल अलग ढंग से प्रस्तुत किया है। शुरुआत में हमें ऐसा लगता है कुछ कुछ अज्ञेय की याद आती है, वो हरी घास पर क्षण भर जो उनका संग्रह है, किंतु ये कविता दूसरा ही रूप ले लेती है, एक दूसरे ही फॉर्मेट में। तो शुरू करते हैं और ज़्यादा आपका वक्त ज़ाया न करते हुए, तो पहली कविता जो मैं पाठ करना चाहता हूँ वो है आपका प्रेम नई मनःस्थिति। तो कविता शुरू है।
दुखी दुखी हम दोनों आओ बैठें, अलग अलग देखें, आँखों में नहीं हाथ में हाथ न लें। हम लिए हाथ में हाथ न बैठ रह जाए। बहुत दिनों बाद आज इतवार मिला है, ठहरी हुई दोपहरी ने यह इत्मीनान दिलाया है, हम दुख में भी कुछ देर साथ रह सकते हैं। झुंझलाए बिना बिना उबे अपने अपने में, एक दूसरे में, या दुख में नहीं, सोच में नहीं, सोचने में डूबे। क्या करें, क्या हमें करना है? क्या यही हमें करना होगा कि हम दोनों आपस ही में निपटा लेंगे झगड़ा जो हम में और हमारे सुख में है? तो ये उनकी पहली कविता है, बहुत ही सघन अनुभूति से भरी हुई है। अब मूल कविता जिसका मैं पाठ वास्तव में करना चाहता था वो है एक अधेड़ भारतीय आत्मा। तो शुरू करते हैं। एक दिन चिड़चिड़े बच्चों को लिए दवाखाने में खड़े खड़े मुझे एकाएक लगा मैं अधेड़ हो गया। न गला बंद कोट, न दुपट्टा, न टोपी, मैं बड़ा हुआ हा हा हू हू करता हुआ। इन्हें टोहो, हड्डियाँ, पसलियाँ और पड़ोस के अमीर बच्चों का भय, उदास ये नहीं हो पाते कुढ़न के मारे। प्रिय पाठक, ये मेरे बच्चे हैं, कोई प्रतीक नहीं, और इस कविता में मैं हूं, मैं कोई रूपक नहीं। यह मैं खड़ा हूं, भरा पूरा एक आदमी, 8-10 सफेद बाल, 8-10 अधूरे स्वप्न, मक्कार बूढ़ों की परिषद में एक खतरनाक बात कहकर बैठ जाऊंगा। गाकर सुनाता है जनवादी वादों की घोषणा। महामंत्री जनता के लिए नहीं, वह विरोधियों को प्रमाण दे रहा है कि मैं दलबल के लिए योग्य व्यक्ति हूँ। पुलकित उपराष्ट्र कवि जनगंगा तट पर बैठे घिसते थे चंदन, किसको तिलकित करें? आज नहीं जानते, वैसे लोहिया के यहाँ आने जाने लगे हैं दोनों। ये उस दौर की कविता है। कल फिर होंगे राष्ट्रकवि, महामंत्री, कल फिर मैं एक बात कह बैठ जाऊँगा। खुली हुई खिड़की से आती है माँ की याद, वह वापस जाना नहीं, आगे जाना है। प्रेम के पारावार के पार और अपने पिता के अनेक मधुर अनुभवों के संग, खुला अव्यथित वायुमंडल जो बाहर है उस पर एक क्षण मुझे विश्वास नहीं होता, किंतु फिर होता है। बचपन के अंधकार में डर था, आज वह धुंधला है, स्निग्ध है। कितनी देर से आए हो तुम मेरे ममत्व, जो जानता हूँ मैं, जो जानता हूँ अब वह सब जानते ही थे। न जानना है मृत्यु, फिर से जानना जीवन। दोहराने दो मुझको अपनी बच्ची पर बाप का दुलार, वह जो अगली शताब्दी में विचित्र कोई मौत पाने को है। जो मुझसे नहीं मरा शत्रु, वह समाज में मृत्यु के नए प्रकार खोजता रहेगा। अत्याचार अगले कुछ वर्षों में और भी अनायास होगा, विद्रोह और काइयां। फिर 20 साल बाद एक संयोग से मैं वह कहूंगा जो 20 साल से सच था। वापस ले जाओ मुझे एक बार उस दिन जब मैंने कहा था कि भाषा को मंदिर में बंद मत करो, उसे बोलो। मैंने कहा था
मैंने कहा था हर बार जबकि बदल नहीं पाया सरकार, मैंने कहा था कि एक अंगुल और गल गया गोश्त, वह नरेश बरनवाल। तो संदर्भों को आप ध्यान में रखें तो बहुत ही गजब के अर्थ खुलेंगे। कहाँ होगा वह नरेश बरनवाल, कहाँ होगा आज जिस पीले लड़के से मेरी होड़ रहती थी, बांध में दरार, पाखंड वक्तव्य में, घटतौल न्याय में, मिलावट दवाई में, नीति में टोटका, अहंकार भाषण में, आचरण में खोट। हर हफ्ते मैंने विरोध किया, सचमुच स्वाधीन हो जाने का इतना भय एक दास जाति में, जो अधेड़ होते हैं जी नहीं सकते हैं बाकी दिन आस में। हर हफ्ते जय 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 सुनते रह नहीं सकते, हर संकट भारत में एक गाय होता है, ठीक समय पर ठीक बहस कर नहीं सकती है राजनीति। बाद में जहां कहीं से भी शुरू करो, बीच सड़क पर गोबर कर देता है विचार। हाय हाय करते हुए, हाँ हाँ करते हुए, हैं करते हुए समुदाय, 1,000 लोग ध्यान मग्न सुनते हुए एक अदद रिरियाता है सितार। जगे रहो जाने किस वक्त सब एक मत हो जाएं, जिसको आगे चलकर राजकाज करना है दांत मांज रखता है मुस्काने के लिए। मुस्काकर प्राध्यापक परिषद में मुझे आंख मारी गृह मंत्री ने, कहते तुम ठीक हो, चुप रहो और मेरे साथ बेईमानी में शरीक हो। संघ रहे उसने कहा, भारत का चाहे हर भारतीय का गुलाम रहे। 20 बरस बीत गए, लालसा मनुष्य की तिल तिल कर मिट गई। अब नहीं हो सकता कोई लेखक महान, पहले तो ब्राह्मण होंगे, फिर ठाकुर होंगे, फिर बारी आएगी काय चमारों की। तब तक चमार कायथ ना बन गए होंगे। टूटते टूटते जिस जगह आकर विश्वास हो जाएगा कि 20 साल धोखा दिया गया, वहीं मुझे मुझे फिर कहा जाएगा विश्वास करने को। पूछेगा संसद में भोला भाला मंत्री, मामला बताओ हम कार्रवाई करेंगे। हाय हाय करता हुआ, हाँ हाँ करता हुआ, हैं करता हुआ, दल का दल पाप छिपा रखने के लिए एकजुट होगा। जितना बड़ा दल होगा उतना ही खाएगा देश को। सबसे बड़े नेता के बूढ़े हो जाते ही लग लेगा पीछे एक कम बूढ़ा, जाने किस वक्त वह मर जाए जो ज्यादा बूढ़ा है। धन्यवाद दोस्तों, ये कविता हो गई पूरी। आप देख रहे होंगे कविता पढ़ते समय कई सारे संदर्भ हैं, देश की राजनीतिक संदर्भ हैं जो आज भी सच हैं, कई सारी बातें। और वो पंक्ति तो एकदम मतलब मास्टरपीस है, चाहे जहाँ कहीं से भी शुरू करो, बीच सड़क पर गोबर कर देता है विचार। गोबर यानी लैटरिंग और विचार में फर्क नहीं रह गया है, सब चीज़ें इतनी काहियाँ हो गई हैं, प्रतिबद्धताएं जो हैं वो बहुत ही टुच्ची और लालची बन गई हैं। लोग सिर्फ और सिर्फ अपना जो है तात्कालीन स्वार्थ ही देख रहे हैं, दीर्घकालीन स्वार्थ न भी कहें, तात्कालीन स्वार्थ देख रहे हैं। और हैं हाँ हूँ हैं करते हुए वो अपने
प्रतिपक्ष को या अपनी प्रतिबद्धता को, दोनों को धोखा दे रहा है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।